आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर आपको बता दें ओवैसी वोट डाल रहे हैं, और आपको बता दें हैदराबाद में अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको हैदराबाद से दिखा रहे हैं। AIMIM के प्रत्याशी आपको बता दें और ओवैसी अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हैं, और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हैदराबाद से वो प्रत्याशी हैं और वोट डालने पहुंचे हुए हैं। तो अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे हैं ओवैसी, और इस सीधी तस्वीरें आपको हैदराबाद से दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें आज देश की भर की 96 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, और वहीं यहां पर 1717 प्रत्याशी मैदान में। हैदराबाद से प्रत्याशी ओवैसी वो भी अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हैं। वहीं बात करें 10 राज्यों की 96 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर, 1 पूर्व CM मैदान में है। 17 करोड़ वोटर्स आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो देश भर में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, शाम 6 बजे तक मत डाले जाएंगे। INS 24x7 भी आपसे एक बार फिर से अपील करता है, अपने मत का प्रयोग जरूर करिए, अपने मत को व्यर्थ ना जाने दीजिए, घर से निकलिए, आलस छोड़िए, मतदान कीजिए, पहले मतदान फिर जलपान। तो हैदराबाद से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि ओवैसी वोट डाल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने यहां से माधवी लता को प्रत्याशी बनाया है। तो यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा, जिस तरीके से हैदराबाद में एक हिंदू चेहरे को सामने लाया ओवैसी उनके सामने हैं, और अब देखना होगा कि ये मुकाबला कौन जीतता है। तो आपको बता दें यहाँ पर ओवैसी को अब एक हिंदू चेहरा पहली बार मुकाबला देते हुए नजर आने वाला है। 4 जून को फैसला हो जाएगा हैदराबाद सीट पर भी कि किसकी जीत होती है, मोदी की लहर हैदराबाद में कितनी है।